हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलीमैथ एग्रो सॉल्यूशन सर्विसेज। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक कंसल्टेंसी फर्म है। हम डील करते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, हम डील करते हैं एग्री बिजनेस रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, हम डील करते हैं एग्रीकल्चर और एग्री बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। एट प्रेजेंट हमारी मशरूम रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे सीरीज चल रही है, जिसका नेक्स्ट वीडियो जो है वो है स्केल्स और क्रोकोडाइल्स की। ये एक एबायोटिक डिसऑर्डर है जो हमें मशरूम इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। मशरूम कल्टीवेशन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं स्केल एंड क्रोकोडाइल। ये एक एबायोटिक डिसऑर्डर्स हैं जो कि हमें मशरूम कल्टीवेशन टाइम पे देखने को मिलते हैं। स्केल बेसिकली क्या होता है? आप अगर मोस्टली जितनी भी आप व्हाइट बटन मशरूम देखेंगे, उसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, बड़ी पतली पतली सी लेयर्स होती है, लाइक छिलका सा, बड़ी पतली सी लेयर होती है। और ये जैसे जैसे टिश्यू बढ़ता जाता है, ये भी ग्रो करती जाती है, पतली लेयर भी ग्रो करती जाती है। बट कई बार क्लाइमेट अच्छा ना होने की वजह से, जब बहुत ज़्यादा ड्राइंग हो जाती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो हमें जो सरफेस है ऐसा रफ होना शुरू हो जाता है। अगर आप देखेंगे ऐसा रफ सरफेस होना शुरू हो जाता है। अक्सर ये प्रॉब्लम कहाँ देखने को मिलती है? ये बहुत सारे फार्मों पे ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, पर ज़्यादातर ये फार्म के किस रीजन में देखने को मिलती है ये मैं आपसे डिस्कस करूँगा। मान लीजिए आपका ये ग्रोइंग रूम है, ग्रोइंग रूम में रैक्स लगे हुए हैं। जो सबसे टॉप मोस्ट रैक है, इस टॉप मोस्ट रैक में हमें स्केल की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। रीजन, क्योंकि टॉप मोस्ट रैक में जो AHU है, AHU का एयर फ्लो बहुत ज्यादा रहता है, और टॉप मोस्ट रैक पे जो मशरूम है बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। ड्राई होने की वजह से एक जो हाई वेलोसिटी की एयर की, ज़्यादा हाई वेलोसिटी की वजह से जो मशरूम है उसका जो स्केल है वो ड्राई हो जाता है और रफ लगने लग जा शुरू हो जाता है। ये कंडीशन कई बार फॉर्मल्डिहाइड या आप पेस्टिसाइड जब डालते हैं एक्सेस, तो भी हमें देखने को मिलती है। और हाफ ग्रो मशरूम के ऊपर ऐसे स्केल ब्रिटल से बन जाते हैं, जो एक लाइक क्रोकोडाइल मशरूम, जो उसकी स्किन है वो बस्ट कर जाती है, फट जाती है, ग्रो करके कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती है और एक टाइम पे आके वो बस्ट कर जाती है, जिसे हम क्रोकोडाइल स्किन कहते हैं। और ये ज़्यादातर हमें ऑफ वाइट और क्रीम मशरूम स्ट्रेन में हमें मिलता है। बहुत फार्मों पे जहाँ पे ह्यूमिडिटी मान लीजिए बहुत डाउन आ जाए, रीज़न क्या है? देखिए, बड़ा सिंपल, क्रोकोडाइल और ड्राई स्केल जो है इसका बड़ा सिंपल रीज़न है। आपके फार्म पे जब एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आप एयर वेलोसिटी यानी कि जो ब्लोअर है वो लगातार एयर मार रहा है, दूसरी तरफ से आपने ह्यूमिडिटी आपके फार्म की कम हो गई है, तीसरा जो आपका वाटरिंग वाला पर्सन है वो प्रॉपर वाटरिंग नहीं कर पा रहा, अपर रीजन पे, शेड के टॉप रीजन पे वो प्रॉपर वाटरिंग नहीं कर पा रहा, तो जो मशरूम के बाहर एक पतली पतली सी स्केल, बड़ी पतली सी स्किन होती है वो ड्राई होके फटना शुरू हो जाती है, जिसे हम स्केल और क्रोकोडाइल स्किन बोलते हैं। इसका ध्यान कैसे रखा जाए? बड़ा सिंपल फंडा है, प्रॉपर वाटरिंग की जाए और ह्यूमिडिटी, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है कमरे की, उसे मेंटेन रखा जाए, तो ये दिक्कत नहीं हमें देखने को मिलती। धन्यवाद।